कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां हम कहते हैं कुछ भी कहो वह आदमी बहुत लाजवाब है, कुछ भी कहो यह मूवी बहुत मजेदार है, कुछ भी कहो यह डिश बहुत टेस्टी है, कुछ भी कहो यह चैनल बहुत फायदेमंद है, कुछ भी कहो यह गाना बहुत प्यारा है, कुछ भी कहो आज का मौसम बहुत प्यारा है। तो आइए फ्रेंड देखें इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोले जहां आप कहते हैं कुछ भी कहो। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, यानी आप कहेंगे स्पीक व्हाट यू विल। अगर आप चाहें तो स्पीक के जगह पर से का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं से व्हाट यू विल। उसके बाद आप एक फुल सेंटेंस बोलेंगे। कैसे, आइए इस बात को एग्जांपल्स में बेहतर तरीके से समझें। कुछ भी कहो तुम आदमी बहुत मजेदार हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे से व्हाट यू विल यू आर ऑसम, यानी कुछ भी कहो तुम आदमी बहुत मजेदार हो या तुम आदमी कमाल के हो। कुछ भी कहो यह डिश बहुत टेस्टी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे से व्हाट यू विल दिस डिश इज सो टेस्टी, यानी कुछ भी कहो यह डिश बहुत टेस्टी है या यह डिश बहुत स्वादिष्ट है। कुछ भी कहो यह गाना बहुत प्यारा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे से व्हाट यू विल दिस सॉन्ग इज वेरी लवली, यानी कुछ भी कहो यह गाना बहुत प्यारा है। कुछ भी कहो यह टॉपिक बहुत फायदेमंद है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे से व्हाट यू विल दिस टॉपिक इज वेरी यूजफुल। कुछ भी कहो आज का मौसम बहुत प्यारा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे से व्हाट यू विल इट इज वेरी लवली वेदर टुडे, यानी कुछ भी कहो आज का मौसम बहुत प्यारा है। कुछ भी कहो तुम आदमी बहुत मक्कार हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे से व्हाट यू विल यू आर वेरी कनिंग, यानी कुछ भी कहो तुम आदमी बहुत मक्कार हो। कुछ भी कहो तुम आदमी बहुत छोटे हो या बहुत गिरे हुए हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे स्पीक व्हाट यू विल यू आर सो मीन, यानी कुछ भी कहो तुम आदमी बहुत गिरे हुए हो। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इन सभी सेंटेंसेस में बहुत के लिए मैंने कभी लिखा सो और कभी मैंने लिखा वेरी, तो हो सकता है कि इस बात को लेकर आप कंफ्यूज हो कि कैसे पता चलेगा कि बहुत के लिए हमें कब बोलना चाहिए वेरी और कब बोलना चाहिए सो। तो अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं तो मैंने इस पर एक खास वीडियो बनाया हुआ है जिसे मैंने आई के सिंबल में रखा है ताकि आप आसानी से देखकर अपनी कंफ्यूजन को खत्म कर सकें। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। ऐसे बहुत सारे टॉपिक जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए।